चलिए दोस्तों चलते हैं आज फैक्टराइजेशन की लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट लेक्चर की तरफ। बट आज लास्ट है फैक्टराइजेशन का, लेकिन ये आज जो लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जो फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 90% से अबव बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं सॉल्व करने में। बट यकीन मानो अगर ये लास्ट तक वीडियो देख लिया तो जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं फैक्टराइजेशन के, जो आज मैं कराने जा रहा हूँ, वो आपके लिए सबसे आसान होने जा रहा है। तो बस इस वीडियो को अच्छे से आप लास्ट तक देखो, यकीन बता रहे हैं इसके बाद आपको फैक्टराइजेशन की जितने भी मैंने वीडियो बना लिया और ये वीडियो देख लिया तो फैक्टराइजेशन से आपकी छुट्टी। बात समझ आए, ये 9 के पॉइंट से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं आएंगे वो सारे क्वेश्चन के मैंने टाइप्स के क्वेश्चन के मैंने वीडियो बना रखी है। आप चाहो तो हमारे प्ले लिस्ट से आप निकाल के उस टाइप्स के फैक्टराइजेशन को देख सकते हो। तो आज ये फैक्टराइजेशन की लास्ट क्लासेस है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं फैक्टराइजेशन के वो मैं कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज जो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे उसका टाइप कैसा होगा या किस रूप में लिखना है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो फैक्टराइजेशन होगा वो इस तरह का फैक्टराइजेशन है, इस टाइप का होगा, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, मैं इस तरह का आपका एक्सप्रेशन होगा या पॉलिनोमियल होगा, कहेगा आपको इसको फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो लिखते कैसे याद रखिए, तो ये एक थ्योरम के द्वारा इसके फॉर्म को, मतलब इस तरह की एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं बाबू, ये थ्योरम के द्वारा, ये थ्योरम क्या गया है, बताया गया है मैथमेटिक्स में, यानी ये प्रूव्ड है। क्या प्रूव्ड है कि इसको हम एज ए फैक्टर कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं चलिए मैं बता देता हूं। जब भी आपको अगर एक्सप्रेशन में या एज ए एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल आपको क्या आ जाए, इस तरह की चीजों को एज ए फैक्टर यानी फैक्टराइज करने को आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, क्या जो उसका थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, तो ये कहता है क्या, पहला थ्योरम है, देखो थ्योरम आप लोग को यहाँ प्रूव करने को नहीं आएगा, बीएससी या ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो कि आपको थ्योरम प्रूव करने को देगा या सॉल्व करने, आपको उस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और ये जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें थोड़ी से टफ क्वेश्चन है, टफ लिए यकीन मानो, ये नाम का बस टफ है, अगर आपने यहाँ सही से देख लिया तो 100% आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। जो चीज़ दिमाग में रखनी है, दो बस फॉर्मूले या दो थ्योरम कह लो, दो रखने हैं वो प्रूव्ड है, आपको प्रूव करने को नहीं आएगा, बस उस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वो उस क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो मैं अभी यहां कराने जा रहा हूं। तो चलिए करते हैं। तो जो आपका पहला थ्योरम होगा वो ये कहता है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इस फॉर्म में हो, अगर आपको कहे कि आप फैक्टराइज कीजिए, यानी जब भी आपका पॉलिनोमियल इस फॉर्म में, एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो और कहे आपको फैक्टराइज करने को, तो उसको एज अ फैक्टर आप इस रूप में लिख सकते हो। किस रूप में लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपको याद होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको याद नहीं है ये थ्योरम, तो आप फिर इस एक्सरसाइज के जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स के और सबसे टफेस्ट लगते हैं वो फिर उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। बहुत अगर ये याद है तो इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक है वो मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। तो ये अगर ऐसे आपको कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देता है तो एज अ फैक्टर आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ये आपका थ्योरम प्रूव्ड है, ये समझ में बात आ रही है। अब दूसरा थ्योरम क्या कहता है ये बात रख दीजिएगा, दूसरा थ्योरम क्या कहता है, ये पहला है आपका, ठीक है। तो दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई मान लो कि एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल, अगर वो कहता है क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के बराबर है, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के बराबर है, यानी इस तरह का पॉलिनोमियल हो और वो क्या बताए कि अगर कह रहा हो, क्वेश्चन में दिया हो कि वो जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो होगा x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब प्लस जेड का होल क्यूब जो होगा वो किसके बराबर होगा, थ्री एक्स वाई जेड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बाबू, थ्री एक्स वाई जेड के बराबर होगा। ये दो चीज याद करनी है। तीसरी चीज जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आता है, ये दो थ्योरम है, इस थ्योरम में मैं कुछ यही बस थोड़ा सा ट्रिक लगाऊंगा, वो चीज याद रखिए, तीसरी चीज मेरी तरफ से याद कर लो, बाकी काम खत्म हो जाएगा आपके साथ, कैसे क्वेश्चन आए फोड़ दोगे। तो ये तो दो थ्योरम बेसिक्स हैं। इसी थ्योरम को थोड़ा सा मैं बस इसी मैथ का इस्तेमाल, मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल करके इसको चेंज कर लेते हूं। अगर आपको यही चीज मैं कहूं कि लिखने को और दूसरे तरीके से, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर x प्लस वाई प्लस जेड टाइप में कोई पॉलिनोमियल हो बराबर जीरो हो, तो इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं कि x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब। ये इधर क्या है बाबू, एज अ सिंगल टर्म ये पॉजिटिव में है, जब इक्वल्स टू से इधर आएगा यानी लेफ्ट साइड आएगा, यानी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब के साइड आएगा, तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स वाई जेड हो जाएगा। इधर क्या बचा, इक्वल्स के साइड कुछ नहीं, यानी जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये एक मेरी तरफ से बात याद कर लो, ये वाली बात मेरी तरफ से याद कर लो,
हालांकि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, बस एक दिमाग है, छोटी सी चीज़ें हैं, उसको मैंने क्या किया, इस्तेमाल किया अपने ब्रेन से और उसको मैंने ऐसे बना लिया। जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है तो थ्योरम टू कहता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब थ्री एक्स वाई जेड के बराबर होता है। तो जब यही बात कर रहा था, इसको थोड़ा सा एक कदम मैंने और आगे बढ़ करके, जब थ्री एक्स प्लस वाई थ्री एक्स इंटू वाई जेड थ्री एक्स वाई जेड जो के बराबर होता है जब ये, तो इसको जब ये पॉजिटिव इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसी को मैंने आगे बढ़ा कर दिया कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यही चीज तो मैंने ये लिखा ना, इधर प्लस मतलब मैंने इधर करके एक और क्या कर लिया, एक नया रूप दे दिया इस वाले थ्योरम को। इसका इसको यहाँ पे ऐसे कराने का मतलब ये है कि जो आपके लास्ट के टू क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से इसी इनोवेशंस पे बेस्ड हैं, तो इसी वजह से मैंने ऐसा करके आपको पहले शुरुआत नहीं दिखा दिया ताकि आप अवेयर हो जाओ अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो भैया ये दो थ्योरम जो है आपके ऊपर के और ये तीसरा इसका ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने किया है, ये तो आपको याद होने चाहिए, जो फैक्टराइजेशन के टफेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं इसी दोनों थ्योरम के रिलेटेड बनते हैं। और जो पिछली मैंने लेक्चर बताई है आपको पढ़ाई है, उसमें जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, उस वाले मेथड से जो बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, वही दो आपके फैक्टराइजेशन क्या होते हैं सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं जो उससे अगर आते हैं तो, बट यकीन मानो है बहुत आसान। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ सीधे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये दोनों थ्योरम याद रखिए, फिलहाल अभी के लिए मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, तो सॉरी फॉर दिस। नाउ चलो आप क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन है भैया फैक्टराइजेशन का लास्ट लेक्चर है तो फैक्टराइजेशन ही करना है आपको, फैक्टराइज करना है तो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन करना है तो पहले ही बोलेगा क्या करने को, कहेगा फैक्टराइज। अब देखिएगा किसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज। अब फैक्टराइज का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन है पहला 25a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस 64c क्यूब प्लस 64c क्यूब एंड एट लास्ट माइनस 60abc एंड एट लास्ट में है माइनस 60abc। बात समझ में आए, आपको कहेगा इसको फैक्टराइज कीजिए यानी फैक्टर के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो आप ये देखो, ये शुरू वाला देखो, फर्स्ट वाला थ्योरम देखो, जो ये वाला पूरा ये दिख रही चीज़ है ये समवाट उसी तरह दिख रहा है, पहला वाला ए क्यूब, ये वाला भी ए क्यूब, ये वाला भी बी क्यूब, ये वाला भी बी क्यूब, मतलब पहला वाला एक्स क्यूब के फॉर्म में, तो ये पहला वाला ये भी, ये देखो पहला ये भी क्यूब के फॉर्म में, ये भी क्यूब के फॉर्म में, दूसरा ये भी क्यूब के फॉर्म में, ये भी क्यूब, तीसरा ये भी क्यूब के फॉर्म में, ये भी क्यूब के फॉर्म में, और जो जो फोर्थ टर्म है हमारा माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये देखो ये भी क्या है उसी टाइप के प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी समवाट इट सीम्स इट इज लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, समवाट इट इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक दिस। अगर थोड़ा सा और इसको क्या कर लो, अपने दिमाग से सेट करो, तो जब ये इस तरह का दिख रहा है तो एज अ फैक्टर व्हाई नॉट आई कैन राइट लाइक दिस, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहले क्या करो, एग्जैक्टली इसी मैनर में सेट कर लिया जाए एकदम, ठीक है, और उस तरह सेट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ एक्स क्यूब है तो उसको एक्स के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में, जेड के फॉर्म में वैल्यू को सेट कर लोगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के फॉर्म में लिख के एज अ फैक्टर यानी लिख के आप दिखा सकते हो, और एज अ फैक्टर ही लिखना ही क्या कहलाता है, फैक्टराइज कहलाता है। तो चलिए इसको सेट करते हैं, इस फॉर्म पे सेट करते हैं। तो देखिए अगर आपको करना है क्या इसको 25 क्या है 125 है, सॉरी मैं 25 लिखा, ये 125 है, ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। अब इसको आपको क्या करना है, इस पे सेट करना, अगर इस पे सेट कर लिए तो एज अ फैक्टर ऐसे लिख लेंगे। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं एक्स क्यूब के फॉर्म में, पहले वाले को किसके फॉर्म में सेट करेंगे, तो एक्स क्यूब वाले के फॉर्म में सेट करेंगे। तो 125 किसका क्यूब होता है, तो भैया आपको सभी को पता होगा, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा 5 का होता है, ए क्यूब किसका क्यूब होता है, ए का होता है, यानी 5a को 5a का होल क्यूब करोगे तो ये क्या आ जाएगा 125 का ए क्यूब, 125 ए क्यूब आ जाएगा, यानी 5a को हम लोग क्या ले लें, एक्स ले लें, चलिए ले लिया। अब देखते रहिएगा, प्लस है तो प्लस लिखा, अब बी का होल क्यूब कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा, बी क्यूब कर लिया, प्लस है तो प्लस लिख लिया। 64 किसका क्यूब होता है, सभी को पता है 4 का होता है, सी क्यूब किसका क्यूब होता है, तो सी का होल क्यूब कर दोगे तो आ जाएगा 64 होल क्यूब। अब यहां पे देखो जो 5a है अगर उसको x लेते हैं और b को y लेते हैं और c को 4c को z लेते हैं, और चूंकि देखो 5a पे होल क्यूब है तो x पे भी होल क्यूब कर लो, b पे होल क्यूब है तो y पे भी होल क्यूब कर लो, और 4c पे क्या है होल क्यूब है तो z पे भी होल क्यूब कर लो, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो। तो अब इसका जो फॉर्म है बिल्कुल देखो, ये जो इसका फॉर्म आ रहा है कैसा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे आ रहा है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। अब इस फॉर्म में बस सेट करना है, बाकी जो बची चीज है यानी बाकी क्या बचा है, यहां तक तो हम लोगों ने सेट कर लिया, बचा ये तो इसको अगर -3xyz के फॉर्म में सेट कर लेते हो तो यू कैन राइट एज अ फैक्टर लाइक दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए इसको -3xyz के फॉर्म में इस वाले को सेट करते हैं।
तो माइनस थ्री तो पहले लिखना पड़ेगा, उस फॉर्म में सेट करना है, माइनस थ्री लिख लिया। अब एक्स वाई जेड का फॉर्म में लिखना है, तो एक्स की जगह हमें रखने में क्या होंगे, ये हमारी अब मजबूरी कह लो या हमारी कंपल्सन कह लो, जरूरी कह लो, क्योंकि हमने एक्स की जगह फाइव ए माना है, तो यहाँ हम फाइव ए रखेंगे। अब देखो बी की जगह, वाई की जगह हमने क्या माना है, वाई की जगह रखना है ना भैया, माइनस थ्री रखा, एक्स रखा, वाई रखेंगे, वाई की जगह बी माना है तो बी रखा। Z की जगह आपने क्या माना है जनाब, Z की जगह आपने माना है 4C, तो 4C रख लिया। अब इसको जब आप सॉल्व करो और डिट्टो किसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने इस तरह से इसको सेट कर लिया। कैसे भैया, तो माइनस थ्री वाई एक्स जेड और पूरी डिट्टो इस तरह से, तो देखते हैं भैया करके। तो देखो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टी फोर जा सिक्सटी, देखो यहाँ पे भी सिक्सटी है, यहाँ पे भी आ रहा है, अब माइनस है माइनस है, ए इंटू बी इंटू सी सिक्सटी ए बी सी, यानी इस चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं तब, तो जब इस चीज को ऐसे लिख रहा है तो डिट्टो कैसा दिख रहा है, मैं ऐसा दिख रहा है, यानी ये पूरी चीज जो ये पैटर्न ये थ्योरम है एकदम इसी पे क्या हो गई, ये हमारी क्वेश्चन जो था हम लोगों ने इसको एकदम उसी पे उसी पैटर्न इस पैटर्न पे सेट कर लिया। जब इस पैटर्न पे इसको हमने सेट कर लिया बाबू, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इजीली एज अ फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं। चलो तो लिख लेते हैं, अब हमको पता हो गया x किसको लेना है, x 5a को लेना है, b y किसको लेना है, b को लेना है, z किसको लेना है, 4c को लेना है, बस सिंपली अब आपको वैल्यू रख लेनी है, बच्चों की तरह अब आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं भैया, तो आपको पता है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz = क्या होता है, तो आपको सबको पता है, यहां आप लिख लीजिएगा सिंस x³ + y³ + z³ - 3xyz = क्या होता है बाबू, x + y + z = x + y + z इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx होता है। तो लाइक दैट हम लोग को इसको क्या कर लेना है, फैक्टराइज के फॉर्म में एंड फैक्टर के फॉर्म में लिख लेना। चलिए x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब क्या हुआ, x यहाँ क्या माने थे 5a, तो ये लिखा 5a, y यहाँ क्या माने थे b, तो b लिख लिया, z यहाँ क्या माने थे बाबू 4c, तो 4c लिख लिया, इन फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। अब इन सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर, यहाँ x क्या था 5a था, तो स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या y स्क्वायर, y यहाँ किसको माने थे b का, तो b का y का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, b का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर कर लिए, प्लस है तो प्लस लिखा। अब कह रहा है z का स्क्वायर, z यहाँ पे क्या 4c है, यानी 4c का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, 16c स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, माइनस लगा माइनस xy, यानी x * y करना है, यहां x क्या था 5a था और y क्या था b था, यानी 5a * b करोगे तो आएगा 5ab आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या है, माइनस yz है, यानी माइनस लिखा yz, यानी y * z yz, तो y यहां पे क्या है b है, z यहां पे क्या है 4c है, तो जब 4c into b करोगे तो यानी क्या आ जाएगा, माइनस 4bc आ जाएगा। अब क्या बचा भैया, लास्ट बचा माइनस zx बचा, क्या बचा माइनस zx, माइनस रखा, z यहां पे किसको माना भैया, z हमने 4c को माना था, तो यहां z उसकी जगह क्या रखेंगे 4c रखेंगे, 4c रखा, zx x यहां पे क्या है भाई साहब, x यहां पे 5a है, तो 4c into 5a करोगे तो 4c into, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, यानी अगर रखना तो ऐसे ही रख लो 4c into 5a करो करोगे तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, आप देखो 4c * 5a करोगे तो ये देखो कांस्टेंट को कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो 4 * 5 20 हो जाएगा, a * c क्या हो जाएगा 20ac हो जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा 20ac। और आपने क्या कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज कर लेना। अब ये देखो ये जो फैक्टराइजेशंस करने को ये जो क्वेश्चन हमें दिया था, हमने क्या किया, पहले इस फॉर्म में सेट कर लिया, और इस फॉर्म में सेट करने का मतलब एज अ फैक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया इस फॉर्म में ऐसे इसको हमने लिख लिया, यानी फाइनली आपके आंसर क्या आ गए, इन फर्स्ट ब्रैकेट 5a plus 4b, 5a plus b plus 4c and 25a square, 25a square plus b square plus 16c square minus 5ac minus 5, minus 5 4bc एंड माइनस फोर बी सी एंड माइनस 20 ए सी इज योर फाइनल आंसर। ये आपके क्या हो गए, आंसर आ गए। होप सो कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा एग्जाम में बार बार आया हुआ एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है लेकिन बड़ा थोड़ा सा देखने में छोटा लगता है, इसी वजह से हम लोग ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं उस क्वेश्चन को, कभी कभी हम लोग से नहीं हो पाते, बट वो भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह करने हैं और होप सो कि आप लोग को वो समझ में भी आएगा। तो चलिए वो क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी क्या करना है भैया, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है तो फैक्टराइज ही करना होगा, यानी फैक्टर के फॉर्म में उसको लिखना होगा। अब चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं फैक्टर के फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन वही रहेगा, हाँ मैंने फार्मूला यहाँ जरूर इरेज कर दिया या कह लो थ्योरम, तो उसको दोबारा से भी लिख लेंगे कोई बात नहीं, बट यहाँ जगह कम होने की वजह से पहले क्वेश्चंस लिखना जरूरी है, तो पहले इसको क्वेश्चंस को लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस कह रहा है क्या, फैक्टराइज, चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं भैया, फैक्टराइज किसको करना है जनाब, तो इसको करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस वन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस वन प्लस थ्री ए बी, प्लस थ्री ए बी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
फैक्टराइजेशन के टाइप में एक ये भी आता है। अब ये जनाब आपसे कह रहा है कि आप इसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। क्या कीजिए? फैक्टराइज कीजिए। तो आपको फार्मूला मैंने थ्योरम कह लो, तो थ्योरम आपको मैंने बताया है क्या, क्या बताया थ्योरम? तो थ्योरम आपका यही है बाबू, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड को किसने के बराबर लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो एज अ फैक्टर? तो क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख सकते हैं पहले ब्रैकेट में। और सेकेंड ब्रैकेट में क्या करोगे भैया? सेकेंड ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कहीं कहीं एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी ले लेता है, तो बात वही हुई, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी क्यू, फॉर्म का मतलब वही हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। कोई बात नहीं, बात वही है, ठीक है, बात समझ में आ रहा। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर लेके लेके यहाँ पर सेट कर लो, वही तरह फॉर्म बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें बराबर है, ठीक है। अब आते हैं अब क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमको कह रहा है ये फैक्टराइज कीजिए। तो देखिए, सम वॉट इट इज लुकिंग लाइक दिस बट नॉट एग्जैक्टली, बात समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो इस तरह से अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है, आप पूरा इसे बना ले, तो यानी ऐसे सेट कर ले, तो एज अ फैक्टर ऐसे लिख लेंगे। तो इसको ट्राई करना है या इसको हमें सेट करना, बस यही थोड़ी सी दिमाग और लॉजिक लगानी है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, कि इसको इस रूप में बना ले। जब इस रूप में अगर आप सेट कर लिए, तो एज अ फैक्टर इस रूप में लिख सकते हो। तो चलिए इसको ऐसे सेट करते हैं, इस थ्योरम पे, इस थ्योरम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो चलिए सेट करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होना चाहिए प्लस सी क्यूब होना चाहिए। तो भैया यहां तो माइनस बीच में आ रहा है, तो पहले माइनस वाला सबसे ज्यादा यहां मुश्किल लग रहा था। अब ये देखो ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? तो ये a क्यूब लिख लिया, a का a क्यूब लिख लिया, ये माइनस है, तो हमको चाहिए का यहां पे, एज अ अगर देखा जाए x को a ले रहे हो, क्या ले रहे हो? x को a ले रहे हो, तो x का क्यूब माने a का क्यूब, फिर क्या रखना पड़ेगा? प्लस रखना, प्लस रख लिया। अब यहां पे जो हम लेंगे y की जगह, यहां माइनस b ले लो, क्या ले लो बाबू? माइनस b ले लो। तो देखो, व्हेन यू विल टेक y, व्हेन यू विल टेक माइनस b एज अ y, देन इट विल बिकम प्लस b का होल क्यूब। बात समझ में आई? होल क्यूब हो सकता है। देखो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बात समझ में आ रहा है, यानी ऐसे लिख लिया, यानी कहने का मतलब एक्स का जो फॉर्म था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उस फॉर्म में लिख लिया। देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, भले वाई की जगह हमारा क्या है भैया? माइनस बी रखना पड़ेगा वाई की जगह, क्योंकि हमको प्लस में सेट करना नहीं है, सारी चीजें प्लस में, ये तीन फर्स्ट थ्री टर्म्स प्लस में, लास्ट वाला दे तो वो क्या माइनस में, इस टर्म्स में लिखना। देखो पहला टर्म्स प्लस में है, दूसरा टर्म्स भी प्लस में है, हमने जो माइनस इस वाले क्वेश्चन में था उसको ब्रैकेट के अंदर कर लिया और प्लस बना लिया। अब क्या करेंगे? अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया प्लस सी क्यूब होता है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब कर लिया, अब हमको एज अ जेड क्यूब के फॉर्म में सेट करना है। तो वन को जेड मान लो, वन को क्या मान लिया? जेड मान लिया। जब जेड का क्यूब है तो वन का भी क्यूब कर लो, क्या इससे फर्क पड़ेगा क्या वन के क्यूब पे? वन का कितना भी पावर रहेगा तो वन ही। तो यहाँ हमने क्या कर लिया? अब ये फर्स्ट थ्री वाले जो जो हमारे थ्योरम का फॉर्म था, हमने फर्स्ट थ्री अपने टर्म्स को उसी के फॉर्मेट में यानी उसी के फॉर्म में हमने सेट कर लिया। अब माइनस थ्री एक्स वाई जेड के फॉर्म में इसको सेट करना है, तो लिखा माइनस, ये लिखा 3। अब x की जगह हमने क्या लिया यहां पे? x की जगह a लिया है, तो x की जगह a रखेंगे ही, तब जाके देखेंगे अगर सेट होता है परफेक्टली, तब जाके इसको ऐसे लिखेंगे एज अ फैक्टर। तो माइनस थ्री रखा, अब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, तो x की जगह हमने क्या लिया? a रखा। y की जगह हमने क्या लिया भैया? माइनस b लिया। देखो माइनस b ही रखेंगे, विद साइन रखते हैं। z की जगह क्या लिया? 1 लिया है। अब जब व्हेन यू विल सॉल्व दिस, इट विल बिकम लाइक दिस। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 1 3 a × b 3 ab, यानी इस चीज को ऐसे लिखें। ऐसे क्यों लिखना पड़ा है? क्योंकि हमको इस पैटर्न या इस फॉर्मेट पर सेट करना है। क्यों सेट करना है? क्योंकि इसके ऐसे सेट नहीं करेंगे तो हमें एज अ फैक्टर इसको लिखने में बड़ी दिक्कत होगी, या फिर हम नहीं लिख सकते। जब ऐसे अगर सेट कर सकते हैं, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर आपका किसी भी पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन का इस तरह का रूप होता है, तो एज अ फैक्टर हम इस तरह लिख लेंगे। तो ऐसे पहले सेट कर लेंगे, तो हम लोग फैक्टर के रूप में ऐसे लिख लेंगे, और फैक्टर के रूप में लिखना ही है, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है फैक्टर के फॉर्म में लिखिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाले पूरे पैटर्न पे अपने इस क्वेश्चंस को, किस क्वेश्चंस को? इस क्वेश्चंस को सेट कर लिया। जब इस पैटर्न में सेट कर लिया, तो एज अ फैक्टर हम लोग ऐसे लिख लेंगे। तो चलिए इस तरह लिख लेते हैं। तो इस तरह लिखने का मतलब क्या है? पहले कह रहा है x + y + z, यहां x हमने किसको माना? a को माना है। y किसको माना था? माइनस बी को माना। z किसको माना? 1। तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड लिखे थे, x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? x की जगह जो माने थे वो रखेंगे। क्या माना था? a, a रख लिया।
y की जगह हम क्या रखेंगे भैया, y की जगह जो माने थे, y की जगह हमने क्या माना, माइनस बी माना है, y की जगह हमने क्या माना, माइनस बी, तो क्या रख लेंगे, a माइनस बी हो जाएगा, a प्लस था अब यह माइनस रखोगे तो ये देखो सिंपली क्या होगा, जब प्लस माइनस क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या जरूरत है इतना झमेला पालने का, यही सीधे अंडरस्टूड तो हो चुकी है इतने दिन से, फैक्टराइजेशन पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग को अंडरस्टूड हो चुकी होगी, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमने डायरेक्टली लिख लेना है माइनस बी। अब ये हो गया ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी कह लो इस फॉर्म में हो गया। अब प्लस सी, प्लस सी, सी हमने किसको माना, यानी प्लस जेड है ये, सी भी कर, सोच लो ए प्लस बी प्लस सी कह लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कह लो, तब हमने जेड को क्या माना, यानी वन को क्या माना था, तो जेड माना था, तो यहाँ पे देखो जेड की, जेड है प्लस जेड है, यानी जेड की जगह हम लोग क्या रखेंगे, वन रखेंगे, ये हो गया पहला ब्रैकेट। अब चलते हैं दूसरा ब्रैकेट में, अब दूसरा ब्रैकेट में क्या कह रहा है जनाब, कह रहा है एक्स का स्क्वायर, एक्स हमने किसको माना था, एक्स ए को माना था, यानी एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए का स्क्वायर कर लिया। अब कह रहा है वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो हमने बताया माइनस बी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, माइनस बी इंटू बी, और माइनस बी इंटू बी क्या होता है, हमेशा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए, प्लस बी हो जाएगा, यानी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो गया प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब क्या आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, क्या प्लस जेड का स्क्वायर, जेड इक्वल टू क्या माने थे, वन, तो जेड का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यानी जेड इक्वल टू वन माने थे, यानी जेड का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, यानी वन का भी स्क्वायर करना है, क्योंकि जेड इक्वल टू वन था, जब जेड का स्क्वायर का मतलब क्या, वन का भी स्क्वायर, जब वन का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है क्या आता है, हमेशा वन ही आता है, तो यहाँ डायरेक्टली मैंने वन लिख लिया। अब है माइनस एक्स वाई, तो माइनस रखा, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स इक्वल टू ए लिया था, तो यहाँ ए रखो, ब्रैकेट कर लो, वाई है, यानी वाई से मल्टीप्लाई करना है, वाई इक्वल टू हमने क्या माना था, माइनस बी माना था, माइनस बी रख लिया। अब हो गया ये क्या, माइनस एक्स वाई हो गया, अब क्या करेंगे, माइनस वाई जेड करेंगे, तो माइनस वाई जेड, माइनस रखा, वाई क्या है हमारा, माइनस बी है, देखो ये वाई इक्वल टू क्या माना है, माइनस बी माना है, तो ये रखा माइनस बी, यानी वाई हो गया। अब जेड रखेंगे, अब जेड क्या लिया था भैया, वन, तो यहाँ रख लो वन सिंपली। अब हो गया एक्स वाई वाई जेड, अब क्या रखना, माइनस जेड है, तो जेड की जगह क्या लिया था, वन, तो वन रख लिया। एक्स की जगह हमारा क्या है, तो देखो ये एक्स की जगह क्या लिया था, ए लिया था, तो एक्स की जगह हम लोग क्या कर देंगे, ए रख देंगे। अभी हो गया माइनस जेड एक्स का फॉर्म हो गया, अब इसको क्या करो, ब्रैकेट क्लोज करो। अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे और वो आ जाएगा आंसर। अब ये बस प्लस माइनस वाला खेल बचा है, बस ए माइनस बी प्लस वन हो गया इन फर्स्ट ब्रैकेट, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन, और ये देखो माइनस इन टू माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर से ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो साइन की भी मल्टीप्लाई करते हैं और टर्म्स की भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इन टू माइनस प्लस हो जाएगा, और ए इन टू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यानी प्लस ए बी हो गया। फिर अगेन देखो माइनस इन टू माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइनस इन टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी इन टू वन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे देखो माइनस है, अंदर प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, ए इन टू वन क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ये आपका क्या आ गया, एज अ फैक्टर के फॉर्म में आ गया, यानी आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चंस का आपको क्या क्या हुआ, हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइजेशन करने के बाद आंसर क्या आ रहा बाबू, ए माइनस बी प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन प्लस ए प्लस वन प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी इज योर फाइनल आंसर, माइनस ए प्लस बी इज योर फाइनल आंसर। होप सो कि आप लोग को यह भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कि और किस टाइप के क्वेश्चन है, जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता है बाबू, टफेस्ट तो होता नहीं, चूंकि हम लोग का इंडिसेस और सर्ट्स पे इतना अच्छा कमांड नहीं होता अप टू क्लास एट तक, और नाइन्थ में जब भी एज अ फैक्टराइजेशन के रूप में रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट देखना आराम से बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ इस टॉपिक या इस लास्ट लेक्चर के फैक्टराइजेशन वाले इस रूप से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा होता है। वो क्वेश्चन ऐसे आपको दे देगा, वो उसमें भी कहेगा फैक्टराइज ही करने को, क्या फैक्टराइज यानी फैक्टर के फॉर्म में इसको लिखिए यानी चेंज कीजिए, किसको भैया, तो इसको टू रूट टू ए क्यूब, टू रूट टू ए क्यूब प्लस सिक्सटीन रूट टू बी क्यूब प्लस सिक्सटीन रूट टू बी क्यूब। अगेन हमने फिर से गलती कर दी क्या, तो थ्योरम को इरेज कर दिया, कोई बात नहीं फिर से लिख लेंगे, याद हो जाएगा बार बार लिखने से, ठीक है, आप लोग को भी लिखने से बार बार याद हो जाएगा। तो टू रूट टू ए क्यूब प्लस सिक्सटीन टू रूट प्लस सिक्सटीन रूट टू बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ए बी सी माइनस ट्वेल्व ए सी ए बी सी। इस वाले क्वेश्चन में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, बट इसमें कुछ है वह नहीं, आराम से देखना, ध्यान से देखना, आप लोग भी उसके बाद बना पाओगे, ठीक है।
अब ये देखो, जब मैंने तुमको एक थ्योरम बताया है, उस थ्योरम के हिसाब से देखोगे तो उस तरह का दिख रहा है। कैसा? तो हमने बताया क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, समवाट ये दिख रहा है। अगर दिख भी नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप पे यानी इस फॉर्म में इसको क्या करेंगे, सेट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? ताकि एज ए फैक्टर हम लोग कैसे लिख सके, ऐसे लिख सकते एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के फॉर्म में लिख लें एज ए फैक्टर। और एज ए फैक्टर ही तो करना होता है ना, फैक्टराइज का मतलब होता है एज ए फैक्टर ही लिखना। तो चलिए इस फॉर्म में पहले एकदम डिट्टो इसको सेट कर लें, फिर ऐसे लिख दोगे तो ऐसे लिखना ही क्या कहलाता है, फैक्टर के फॉर्म में लिखना कहलाता है। तो चलिए सेट करते हैं। अब रूट टू ए क्यूब को एज ए एक्स का होल क्यूब यानी एज ए एक्स होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो देखो आपको पता होगा, देखो होल क्यूब का मतलब, क्यूब का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज तीन टाइम मल्टीप्लाई। अब हमको टू रूट टू, अगर देखो अगर रूट टू को, ये देखिए ये चीज देखिएगा, ये चीज इस चीज को देखिए आप, अगर रूट टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा क्या, रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और रूट टू बचा है तो रूट टू या लिखिए, और टू इंटू रूट टू क्या होता है, टू रूट टू होता है। यानी इस चीज को देखा जाए, ये जो टू रूट टू आ रहा है और टू रूट, ये रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू को और क्या लिख सकते हैं हम, रूट टू का होल क्यूब, यानी रूट टू का होल क्यूब ही क्या है, टू रूट टू है, यानी रूट टू का होल क्यूब ही क्या है, ये टू रूट टू है। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज को रूट टू लिख सकते हैं, रूट टू का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट टू का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्योंकि जब रूट टू का होल क्यूब को जब सॉल्व कर रहे हैं तो रूट टू का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, और जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट से रूट एक क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू क्या, टू होता है, टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा, टू रूट टू हो जाएगा। यानी इस टू रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू का होल क्यूब लिख सकते हैं, और ए को क्या लिख सकते हैं, ए का होल क्यूब कर लो। यानी सीधी कहने का मतलब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, तो रूट टू ए लिख सकते हैं, का होल क्यूब कर सकते हैं। अब ये हो गया रूट टू ए क्यूब का। अब रूट टू ए जो दिख रहा है, रूट टू ए क्यूब का, रूट टू ए को जो होल क्यूब जो मैं कर रहा हूं, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अगेन क्या आ जाएगा, अब अगेन यही चीज आ जाएगी क्या, तो यही वाली चीज आ जाएगी। क्यों? आपको पता, अगर यहां ए लगा लो, ए क्यूब का मतलब थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई, तो यहां क्या आ जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू और ए क्यूब हो जाएगा, यानी टू रूट टू ए क्यूब हो जाएगा, यानी सेम चीज ये आ जाएगी। यानी इसको अगर यहां पे कहने का मतलब ये है कि रूट टू ए को क्या एज ए होल क्यूब लिखोगे या उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, टू रूट टू ए क्यूब आएगा, यानी ये आ जाएगा। जब ये इसके बराबर हो रहा है तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे बिल्कुल लिख सकते, यानी क्यूब के फॉर्म में ऐसे इसको लिखोगे या लिख सकते हो या लिखना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ताकि इस पैटर्न में सेट कर ले। यानी कहने का मतलब हमारा एक्स क्यूब के फॉर्म में हमने क्या कर लिया, इस वाले पहले को सेट कर लिया। कैसे सेट कर लिया, तो रूट टू ए लिखोगे या रूट टू ए का होल क्यूब करोगे तो यही चीज आएगी। तो हमको पहले क्या हो गया, पहला जो था टर्म्स था हमारा एक्स क्यूब के फॉर्म में सेट करना, वो हमने सेट कर लिया। अब वाई क्यूब के फॉर्म में सेट करना है इस वाले को। अब इस वाले को वाई क्यूब के फॉर्म में कैसे सेट करेंगे, तो देखो 16 रूट 2 बी क्यूब कैसे आएगा, ये मतलब कहने का मतलब 16 रूट 2 बी क्यूब अगर क्यूब के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा 16 रूट 2 बी को, बी क्यूब को अगर क्यूब के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो देखो ऐसे लिख लो, टू रूट टू बी इंटू टू रूट टू बी इंटू टू रूट टू बी। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही, जब मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करोगे आगे देखो, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, और रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा, यानी एट टू जा 16, तब भी एक रूट बच रहा है, यानी 16 रूट टू आ गया। अब बी इंटू बी बी क्यूब हो जाएगा, यानी ये जो चीज है वो कैसे आई है, तो ऐसे थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगी। थ्री टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब ही क्या होता है, किसी टर्म्स या फैक्टर को करने का मतलब ये होता है कि उसका होल क्यूब। ये लो, ये चीज को ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं, और ये जो चीज ऐसे लिख रहे हो किसके बराबर, इसके बराबर, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, यानी इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एज अ क्यूब के फॉर्म। तो चलिए इस वाली चीज को हम लोग क्या करते हैं, एज अ क्यूब के फॉर्म में, यानी होल क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको इस फॉर्मेट पे सेट करना है ताकि हम लोग एज अ फैक्टर ऐसे लिख लेते, इसी फॉर्मेट पे, यानी वाई का होल क्यूब, यानी वाई क्यूब के फॉर्म में सेट करना है। तो वाई क्यूब के फॉर्म में इस वाले को वाई क्यूब के फॉर्म में कैसे सेट करेंगे, तो अगर आप ऐसे लिखते हो टू रूट टू बी का होल क्यूब लिखते हो तो बात क्या है, ये दोनों बराबर है और साथ ही साथ ये वाई क्यूब के फॉर्म में सेट भी हो गया। बात समझ में आ गई। अब क्या बचा भैया, माइनस थ्री, अब जेड क्यूब बचा, क्या बचा भाई साहब, जेड क्यूब। तो अब चलिए जेड क्यूब मतलब कि जेड क्यूब के फॉर्म में सेट करना है, तो इसको सेट कर लिया, इसको सेट कर लिया, अब सी क्यूब। बात समझ में आ रहा है, सी क्यूब को किसके फॉर्म में सेट करना है, जेड क्यूब के फॉर्म में। तो सी क्यूब किसका क्यूब होता है भैया, तो प्लस था प्लस रखा, सी क्यूब किसका क्यूब होता है, तो सी का होल क्यूब, यानी एज अ जेड हम लोग क्या रख लिया, सी रख लिया, एज अ जेड क्या रख लिया, सी। जब जेड का होल क्यूब का मतलब क्या, सी का भी होल क्यूब। अब ये देखिए हमारा एकदम बिल्कुल, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में
कौन कौन सेट हो गया, जब रूट टू ए को एक्स माना तो एक्स क्यूब के फॉर्म में सेट हो गया, जब टू रूट टू बी को क्या वाई माना तो ये क्या एकदम वाई क्यूब के फॉर्म में सेट हो गया, और जेड क्यूब के फॉर्म में क्या हो गया सी क्यूब सेट हो गया। और जब इनको सॉल्व कर रहे थे एकदम सेम यही चीज हमारी आ जा रही है, यानी इतनी चीज को हमने किसके फॉर्म में सेट कर दिया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में सेट कर दिया गया। अब बचा क्या मेरा ये, अब इसको किसके फॉर्म में सेट करना है, माइनस थ्री एक्स वाई जेड के फॉर्म में सेट करना है, या कह लो तो एक्स वाई जेड जो माना है उसको रख के और इस रूप में रख के हमको ये लाना। अगर ये लाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, परफेक्टली ऐसा सेट हो गया। आप चलिए देखते हैं, माइनस रखा और क्या रखना पड़ेगा थ्री, माइनस थ्री ए बी एक्स वाई जेड को इससे लाना है, मतलब ऐसे रखना है या सेट करना है कि आ जाए। तो देखो हमने बाकी चीजें तो क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब यहाँ पे रखने पे उसकी वैल्यू एक्स वाई इंटू जेड की वैल्यू रखने पे ये आना चाहिए। अगर ये आती है ये चीज यहाँ पे जो रखने पे सॉल्व करने पे यही चीज आती है, तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया। जब इस फॉर्म में हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लेंगे तो एज अ फैक्ट ऐसे लिख लेंगे। तो चलिए अब करते हैं, बस लास्ट थोड़ी सी बची चीज है, इसको मैं इधर एड्रेस करता हूँ, ये तो फालतू की चीज़ें थी बस समझाने के लिए, ताकि जिसके बेसिक्स कमजोर हैं उन वो भी देखे तो उनको भी अच्छे से समझ में आए। तो माइनस थ्री एक्स वाई जेड के फॉर्म में इसको सेट करना, चलिए करते हैं। तो माइनस थ्री लिखा, अब एक्स की जगह हमने माना क्या था रूट टू ए, रूट टू ए लिख लिया, वाई की जगह माना क्या था टू रूट टू बी, टू रूट टू बी, जेड की जगह क्या माना था सी। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है टू होता है, टू 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 ये पहले से टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, और ए है बी है सी है, यानी ए इंटू बी इंटू सी क्या होता है ट्वेल्व ए बी सी हो जाएगा, यानी क्या आ गया माइनस ट्वेल्व ए बी सी आ गया, यानी एकदम सेम ये चीज इसको सॉल्व करने पर ऐसी आ जा रही है। और इसको हमने एकदम सेम कैसे सेट कर दिया, माइनस थ्री एक्स वाई जेड के फॉर्म में सेट कर दिया, यानी इसको माइनस थ्री एक्स वाई ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड के फॉर्म में सेट भी कर दिया, और ये चीज बिल्कुल यही चीज आ रही है। तो अब जब ये चीज इसके बराबर हो गई तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी इसके बराबर यानी इस फॉर्म में हो गई तो इसको एज अ फैक्टर ऐसे लिख लेंगे। तो चलिए पहले तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको पहले इस फॉर्म में बना लिया इस क्वेश्चंस को। अब जब इस फॉर्म में बना लिया तो ये इसके बराबर एज अ फैक्टर लिख सकते हैं, तो अब इसी चीज को एज अ फैक्टर जहां एक्स है वहां जो एक्स माने थे उसको रखेंगे, वाई जिसको माने थे जेड रख के एज अ फैक्टर हम लोग कर लेंगे सॉल्व। चलिए कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है फर्स्ट ब्रैकेट में दिया, x हमने किसको माना था रूट टू ए को माना था, लो रूट टू ए लिख लिया, प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब क्या था x प्लस वाई प्लस जेड, y y किसको माना था टू रूट टू बी को माना था, तो ये लिख लिया। अब z किसको माना था भैया z, x प्लस वाई प्लस जेड है तो ये प्लस भी लगा लिया, z किसको माना था भैया c को माना था, ये लिख लिया c। फर्स्ट ब्रैकेट का काम खत्म, सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर, x किसको माना था रूट टू, अच्छा रूट टू ए था सॉरी, यहाँ पे रूट टू ए लिख लिया, क्या लिख लिया रूट टू ए लिख लिया। अब x यहाँ पे किसको माना था रूट टू ए को, रूट टू ए का क्या कह रहा है कि रूट टू ए का हमको क्या करना है सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का फॉर्म लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर का फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जब एक्स को रूट टू ए माना था यानी एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया रूट टू ए का स्क्वायर, जब रूट टू ए का स्क्वायर करोगे तो क्या इसका मतलब क्या होता है रूट टू ए इंटू रूट टू ए, और जब रूट टू ए इंटू रूट टू करोगे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा रूट से रूट कट जाता है, रूट टू इंटू रूट टू क्या टू हो गया, इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या आ रहा है यानी रूट टू ए का स्क्वायर, जब रूट टू ए को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है टू ए स्क्वायर आ जा रहा है, चलिए लिख लिया। प्लस है वाई स्क्वायर है यानी वाई किसको माना था टू रूट टू बी को माना था, अब इसका स्क्वायर करना है तो जब टू रूट टू बी का होल स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि वाई का स्क्वायर है, एज अ वाई हमने टू रूट टू बी को माना था तो अब वाई स्क्वायर है तो इसको वाई स्क्वायर करो, तब जब स्क्वायर करोगे और इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, देखो टू रूट टू बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया टू रूट टू बी इंटू टू रूट टू बी, यानी मल्टीप्लाइंग टू रूट टू बी टू टाइम्स, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, देखो टू टू जब फोर और रूट टू इंटू रूट टू टू होता है तो फोर इंटू टू कितना हो जाएगा एट हो जाएगा, बी और इंटू बी क्या हो जाएगा इस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी फाइनली एज अ वाई स्क्वायर क्या आ गया हमारा एट बी स्क्वायर आ गया, क्या आ गया एट बी स्क्वायर आ गया। फाइनली क्या लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब क्या करेंगे किसका करेंगे जेड का स्क्वायर करेंगे, जेड किसको माना था सी, तो जेड का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सी का स्क्वायर कर देंगे, जब सी का स्क्वायर करोगे तो आएगा सी स्क्वायर ही आएगा। अब सिंपली क्या करना माइनस एक्स वाई, तो माइनस रखा एक्स वाई, एक्स किसको माना इसको, वाई किसको माना इसको, यानी एक्स वाई का मतलब क्या एक्स इंटू वाई, यानी एक्स वाई करना मतलब एक्स इंटू वाई का मतलब क्या रूट टू ए इंटू टू रूट टू बी, तो रूट टू ए इंटू टू रूट टू बी जब करोगे और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाए रूट टू से रूट टू क्या हो गया रूट टू इंटू रूट टू क्या टू हो जाता है, टू पहले से हो जाए टू टू जब फोर हो गया और फोर आई इंटू ए बी क्या हो जाए फोर ए बी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है माइनस एक्स वाई का मतलब इसको दोनों को एक्स इसको माना था वाई मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है माइनस एक्स वाई की जगह पे यानी एज एज एक्स वाई के रूप में क्या आ जा रहा है, तो आ जा रहा है हमारा फोर ए बी, देखो रूट टू से रूट टू क्या हो जाएगा टू रूट टू
अरे को रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाता है, और टू इंटू टू फोर, और फोर इंटू ए इंटू बी क्या हो जाएगा, फोर ए बी हो जाएगा, लिख लिया। अब क्या है, माइनस वाई जेड है, यानी माइनस वाई जेड के फॉर्म में लिखना है। वाई इसको माना था, जेड इसको माना था, माइनस लगा लिया वाई इंटू जेड। वाई जेड का मतलब क्या, वाई इंटू जेड, तो वाई इंटू जेड का मतलब हो गया ये वाले को और ये वाले को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इसको वाई इसको जेड माना था। तो लिखिए वाई जेड का मतलब ये हो गया क्या कि टू रूट टू बी एज वाई माना था इसको, और जेड किसको माना था भैया, जेड हमने माना था सी को माना था, यानी टू रूट टू इंटू बी मतलब क्या हो गया, वाई जेड हो गया था। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो टू रूट टू ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई कांस्टेंट है नहीं। बी इंटू सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, यानी फाइनली क्या आ जाएगा, वाई जेड की जगह हमारा क्या आ जाएगा, यानी एज ए माइनस वाई जेड के रूप में क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे टर्म्स आ जाएगा, वो आ जाएगा बाबू यहाँ पे टू रूट टू बी सी आ जाएगा, हो गया। यानी क्या आ गया, एक्स वाई वाई जेड हो गया। अब लास्ट क्या बचा, जेड एक्स बचा, क्या बचा, जेड एक्स विद साइन माइनस, माइनस लगा लिया। अब जेड किसको माना, सी, एक्स किसको माना, रूट टू ए, तो जेड एक्स का मतलब क्या, जेड इंटू एक्स, यानी इसका मतलब रूट, इसका मतलब यानी ये क्या, जेड ये सी इंटू रूट टू ए। जब सी इंटू रूट टू ए करोगे, सी मल्टीप्लाई बाई रूट टू ए, तो यहाँ तो कोई कांस्टेंट नहीं था, रूट टू का रूट टू ए रह जाएगा, ए इंटू सी क्या हो जाता है, ए सी हो जाता है। अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या कर लिया, जो आपका क्वेश्चंस ये जो दिया था, ये क्वेश्चंस उसको आपने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, एज अ फैक्टर लिख लिया। क्या लिख लिया, फैक्टर, तो फैक्ट एज अ फैक्टर आपका आंसर क्या आ गया, एज अ आंसर आपका आ गया रूट टू ए, आपको दिख भी रहा होगा है ना, रूट टू ए प्लस टू रूट टू बी प्लस सी इन फर्स्ट ब्रैकेट था ये, और सेकेंड ब्रैकेट में एज ए फैक्टर क्या आ रहा है, आपका दूसरा वाला फैक्टर क्या आ रहा है, तो आपका दूसरा वाला फैक्टर आ रहा है टू ए स्क्वायर प्लस एट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी माइनस टू रूट टू बी सी माइनस रूट टू ए सी। बस ये आपका क्या आ गया, इसका फैक्टराइजेशन होके आंसर आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, होप सो कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट टाइप का चलते हैं। तो ये थ्योरम या आपको याद होना बड़ा जरूरी है, अगर याद नहीं है तो उस पैटर्न पे आप सेट नहीं कर पाओगे, जब सेट नहीं कर पाओगे तो एज अ फैक्टर लिख नहीं पाओगे, यानी फैक्टराइजेशन कर नहीं पाओगे। तो ये थ्योरम दोनों याद रखना बड़ा जरूरी है, और जो थोड़ा उसका चेंज फॉर्म जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया था उसको भी याद करिए, बहुत वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं उस पर चलता हूँ, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको भी आप देखिए, बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो लेता हूँ, फैक्टराइज, किसको फैक्टराइज करना है जनाब, तो देखिएगा 5a माइनस 7b, 5a माइनस 7b का होल क्यूब, का होल क्यूब कर लिया भैया, जो क्वेश्चन कह रहा कह रहा हूँ, 9c माइनस 5a, 9c माइनस 5a का होल क्यूब, तो होल क्यूब लगा लिया, ठीक है। अब क्या कहता है, प्लस 7b माइनस, प्लस 7b इन नेक्स्ट ब्रैकेट प्लस 7b माइनस 9c का होल क्यूब। अब कह रहा है जनाब कि इसको आप क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, यानी फैक्टर का फॉर्म, ये देखो फैक्टर का फॉर्म है, नहीं फैक्टर का फॉर्म में होता तो ये बीच में प्लस होता नहीं, बात समझे ना, एज अ फैक्टर अगर देखना होता तो, लेकिन यहाँ बीच में तो प्लस है, तो यानी फैक्टराइज करना ही पड़ेगा एज अ फैक्टर लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए फैक्टर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर आप इसको गौर से इस वाले क्वेश्चन को देखो, तो ये देखो क्यूब के फॉर्म में तो दिख रहा है, बट यहाँ पे जो सिंगल एज ए सिंगल टर्म देखा जाए, आइडेंटिटी देखा जाए, तो उस सिंगल टर्म के अंदर भी देखो तो दो टर्म दिख रहे होंगे, कितने टर्म दिख रहे होंगे बाबू, दो टर्म दिख रहे होंगे। और आपको मैंने अभी एक थ्योरम बताया था, क्या थ्योरम था वो, कि क्या मैंने बताया था कि अगर, क्या अगर, देखिएगा ये थ्योरम, ये थ्योरम है, ये मेरी तरफ से कुछ है नहीं, ये थ्योरम याद करना पड़ेगा, ये याद रहेगा तभी। क्या थ्योरम कहता है, क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो अगर होता है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो होता है, तो इन दैट केस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर थ्री एक्स वाई जेड होता है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, ये आपका सेकेंड थ्योरम है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इन कोई तीन टर्म्स हैं, उनको ऐड करने पे जीरो आता है, तो इन दैट कंडीशन उसका क्यूब करने पे वो 3x, तीनों टर्म्स का क्यूब करने पे वो 3xyz के बराबर होगा ही होगा, ये थ्योरम है, थ्योरम हमेशा प्रूव्ड होता है। तो आप गौर से देखिए, अभी इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, अगर ये वाले पूरे टर्म्स को, किसको, 5a माइनस 7b को x मान लेते, क्या मान लेते भैया, x, चलो मान लिया, 9b माइनस 5, 9c माइनस 5a को ले लेते हैं y, y ले लिया, और ये क्या है 7b माइनस 9c को हम लोग ले लेते हैं z, अब बीच में क्या है प्लस, तो लो ये x प्लस वाई प्लस जेड, अब इनको x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्म बन रहा है, तो इनको ऐड करके देखो कि x प्लस वाई प्लस जेड, वेदर इट इज कमिंग जीरो नॉट,
इफ इट इज कमिंग जीरो देन इट मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मस्ट बी इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड। बात समझ में आ गई। तो चलिए हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, क्या इसको एज्यूम कर लिया, यहां जगह कम है तो जा लीजिए इसको, ये वाले पूरे टर्म को एक्स मान लिया, ये वाले पूरे टर्म को वाई मान लिया, ये वाले पूरे टर्म को जेड मान लिया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, चलिए ऐड कर लेते हैं। चलिए देखो तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अब x इसको माने थे, यहाँ लिख लेना अगर लिखना होगा तो, लेट लिख लेना, लेट अगर क्वेश्चन में लिखना है तो लिख लीजिएगा कि लेट ये इज इक्वल टू इतना, अगर लिखना ही है तो चलो हम लिख लेते हैं। तो चलिए इसे पहले वाले टर्म्स को क्या मान लेते हैं बाबू, x मान लेते हैं, तो लिख लेना ऐसे कॉपी में या सोल्यूशन में, जब आपको सोल्यूशन करना होगा तो यहाँ सोल्यूशन लिख के ऐसे लिख लेना कि लेट x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल टू ये मान लीजिए पहला वाला टर्म क्या है भैया 5a माइनस 7b। अब ये दूसरे वाले टर्म्स को क्या मान लो, y मान लो, तो यहाँ लिख लेना लेट x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 9c माइनस 5a, और z इज इक्वल टू क्या मान लो भाई, लास्ट वाला टर्म बचा है तो ये इसको मान लो z मान लो, यानी z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बाबू 7b माइनस 9c। ये हो गया, ये हमने क्या किया इन तीनों टर्म को एज अ एक्स वाई जेड मान लिया। अब क्या करोगे, अब इसको ऐड करके देखो तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ लिख लेना सिंस x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब x क्या माने थे 5a माइनस 7b, तो लिखे 5a माइनस 7b, प्लस है देखो प्लस है, प्लस y करना चाहिए, प्लस y की जगह क्या रखेंगे 9, y की जगह क्या रखेंगे 9c माइनस 5a, लो लिख लिया, प्लस z है तो यानी z की जगह क्या रखेंगे 7b माइनस 9c। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड आता क्या है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के बराबर आता है, इन दैट कंडीशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मस्ट बी इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड। ठीक है, चलिए तो अच्छा देखा जाए तो एक ये भी देखिए एक बात, यहाँ पे जब x माने इसके ऊपर होल क्यूब है तो यानी ये क्या x क्यूब हो गया, इसको y माने और इसके ऊपर होल क्यूब यानी ये y क्यूब y का होल क्यूब हो गया, इसको z माने इस वाले टर्म को 7b माइनस 9c को क्या माने z माने, इसके ऊपर है क्या होल क्यूब यानी z के ऊपर भी क्या हो गया होल क्यूब हो गया, यानी हमको निकालना यानी हमको फैक्टराइज किसका करना है, तो देखा जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्म दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, उसको फैक्टराइज करना है एज ए फैक्टर लिखना है। तो पहले हम लोग को क्या है सेकेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे कि देखेंगे कि क्या वेदर इट इज कमिंग जीरो और नॉट, कब व्हेन वी विल ऐड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज अ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐड करने पर। चलिए ऐड करके देखते हैं क्या आता है, देखो 5a लिखा ब्रैकेट ओपन कर लेना, माइनस 7b प्लस इंटू प्लस प्लस ही हो जाएगा 9c, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5a, प्लस अंदर वाला भी प्लस, प्लस प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस होता है 7b, ये प्लस अंदर वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है 9c। अब ये देखो जब पता है कि सेम वैल्यू हो और अपोजिट साइन हो तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 5a ये माइनस 5a कैंसिल आउट, माइनस 7b ये प्लस 7b कैंसिल आउट, प्लस 9c माइनस 9c कैंसिल आउट एंड फाइनली इट विल बिकम जीरो। यानी क्या हो गया यहाँ पे लिखोगे सिंस क्या सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू जीरो, तो उसके बाद क्या लिखोगे देयर फोर क्या x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये तो थ्योरम बोल रहा है कि जब भी अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीन टर्म का सम जीरो हो तब यह होगा वो तीनों सम अगर एज अ क्यूब में है तो उनको क्या लिख सकते हैं, यानी एज अ क्यूब उनका फैक्टर क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एज अ फैक्टर क्या होगा 3xyz के बराबर होगा, कब जब x प्लस वाई प्लस जीरो के बराबर हो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, जब हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड किया तो जीरो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया x क्यूब प्लस y क्यूब यानी जो x एज अ x क्यूब एज अ y क्यूब एज अ z क्यूब है उसकी जो वैल्यू होगी यानी एज अ फैक्टर लिखेंगे वो किसके बराबर होगा 3xyz के बराबर होगा। तो देयरफॉर लिखोगे यहां पे क्या 3xyz के बराबर होगा, यानी 3xyz के बराबर का मतलब क्या 3 की जगह 3 रख दिया, x की जगह हम लोग क्या रखना पड़ेगा 5a माइनस 7b, क्योंकि x को हमने क्या माना था 5a माइनस 7b माना था, यानी 5a माइनस 7b को x माना था। अब कह रहा है इंटू एक्स 3xyz का मतलब क्या हुआ 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो 3 इंटू वाई 3 इंटू एक्स कर लिया, अब इंटू वाई वाई हमने किसको माना था भैया 9c माइनस 5a को माना था, 9c माइनस 5a लिख लिया, यहाँ इंटू यहाँ ब्रैकेट में कोई ब्रैकेट के दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन करना मतलब होना क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पे साइन क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये अंडरस्टूड होती है चीज़ें। अब क्या हो गया 3xy, अब z इंटू z करना है, z किसको माने थे ये क्या है z के रूप में हमने क्या माना था 7b माइनस 9c, 7b माइनस 9c ये आपका क्या हो गया ये आंसर आ गया, यानी इस वाले क्वेश्चंस का हमने एज फैक्टराइजेशंस किया, यानी एज अ फैक्टर इसको इस वाले पूरे एक्सप्रेशंस को जो कि क्यूबिक पॉलीनोमियल है उसको एज अ फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरम नंबर 2। तो आपको होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा।
तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा एज ए आंसर क्या आ गया बाबू, थ्री टाइम्स फाइव, थ्री टाइम्स इन ब्रैकेट फर्स्ट 5a माइनस 7b एंड इन ब्रैकेट सेकंड 9c माइनस 5 एंड इन ब्रैकेट थर्ड इट इज 7b माइनस 9c, इट इज 7b माइनस 9c। ये क्या है आपका आंसर आ गया, इसका फैक्टराइजेशन हमने करके एज ए आंसर ये ला दिया। होप सो कि आप लोगों को ये भी वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे, थोड़ी क्लासेस बड़ी लंबी हो रही है लेकिन सोच रहा हूँ इसको पूरे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि जितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा सारी के सारे टॉपिक्स या आपके जितने भी यूनिट्स हैं मैथ में उन सब पे जल्द से जल्द आपके सामने मैं वीडियो बना के और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको इजी कर सकूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी लंबी क्लासेस हो रही है बट स्टिल आप इतने जान दो कि अगर यहाँ पे कर रहे हो मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, चूँकि ये लास्ट चैप्टर है तो इसमें थोड़ी सी लेंदी भी है और थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से नाइन्थ के लेवल से थोड़े से दमदार हैं, तो इस वजह से कराना जरूरी है ताकि आप लोग की जो प्रॉब्लम है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकूँ उसको सॉल्व आउट कर सकूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा स्पेशल टाइप का है, चलिए देखते हैं। वो भी फैक्टराइज ही करने को कह रहा है तो फैक्टराइज यहाँ लिख लेते हैं। क्या है फैक्टराइज में क्वेश्चन, तो कह रहा है फैक्टराइज क्या फैक्टराइज करना है जनाब, तो देखते रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी भी है। फैक्टराइज ए क्यूब बी माइनस सी का होल क्यूब इन ब्रैकेट बी माइनस सी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस सी क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। कह रहा आप इसको फैक्टराइज करो, क्या करना है हमको, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे ये बात ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर आते हैं, यकीन मानो अगर आपने एक आदमी भी इसको देखा नहीं या क्वेश्चंस नहीं किया है तो फिर आपको वहाँ दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा करें कैसे, बट है बहुत आसान। वही जो सेकेंड थ्योरम है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो के बराबर होता है तो वही वाली बात हो गई कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर होगा। वही वाला थोड़ा सा यहाँ पे फंडा लगाना है, बाकी आपको आराम से यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखिए इस, ये देखिए ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म, ये टर्म, यानी कहने का मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। हमने बताया था बहुत पहले, पहले लेक्चर में बताया था कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स अगर नहीं पकड़ पाते या नहीं समझ में आता है तो आप सीधे साइन जोड़ लो, साइन से एक आधार है। देखो यहाँ पे साइन कितनी है, एक साइन दो साइन, जब दो साइन है तो टर्म्स कितने होंगे, तीन, तीन साइन है तो टर्म्स कितने हो जाएंगे, चार। ये तो बात है पुरानी वाली बात, अगर आपको अच्छे से डीपली समझना है तो पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, बट यहाँ पे फैक्टराइज करना, चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो इस वाले टर्म्स को आप क्या मान लो, ये देखो ए, जो ए ए इन फर्स्ट ब्रैकेट बी माइनस सी है, ए क्यूब इन सेकेंड ब्रैकेट बी माइनस सी का होल क्यूब है, इसको क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, एक्स, ये वाले सिर्फ इसको, होल क्यूब को छोड़ दो ये मान लें, या पूरा होल क्यूब लेना है तो ये जो ये ए इंटू बी माइनस सी, इसको एक्स मानते हैं, लेकिन सब पे क्या है क्यूब है, तो एक्स का ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब बात देखते रहिए, इसको देखो बी इंटू इन ब्रैकेट सी माइनस ए को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, लेकिन चूंकि क्या है सबका होल क्यूब है तो एक्स का भी वाई का भी होल क्यूब हो गया, बीच में क्या था प्लस तो प्लस लिख लिया। अब यहाँ भी देखिए फिर प्लस है प्लस लिख लिया। अब सी इंटू ए माइनस बी को जेड मान लेते हैं, चूंकि ये होल क्यूब के फॉर्म में, तो यानी ये क्या हो गया, जेड का होल क्यूब हो गया। यानी ये देखा जाए, इसका पैटर्न देखा जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो, जब भी ऐसा पैटर्न आपको दिखे या ऐसे पैटर्न पे ऐसे फॉर्म में सेट हो जाए तो बाबू पहले क्या करो, आप थ्योरम सेकंड इस्तेमाल करो। थ्योरम सेकंड क्या कहता है कि पहले आप ऐड करो, यानी इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐड करो, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो के बराबर आता है तो आप समझ जाना कि जो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है उसको एज अ फैक्टर कैसे बस लिख लेना है, 3xyz के फॉर्म में लिख लेना है, यानी 3xyz ये क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये जो है अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो के बराबर आ रहा है तो इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को एज अ 3xyz हम लोग फैक्टर के रूप में लिख लेंगे, यानी वही आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड चेक करेंगे, चलिए चेक करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब होता क्या है, x किसको माने थे, a इंटू बी माइनस सी को, तो लिखिए यहाँ पे a इंटू बी माइनस सी, प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब y किसको माने थे, b इंटू सी माइनस ए को माने थे, लिख लिया b y हो गया। अब देखो होल क्यूब था तो x क्यूब y क्यूब z क्यूब फॉर्म है, लेकिन हमको x प्लस वाई प्लस जेड का निकालना है, तो होल क्यूब से मतलब तो है नहीं, हमें सिर्फ उसके क्या लेने हैं, विदाउट पावर वाले टर्म्स लेने, विदाउट पावर वाले ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो प्लस जेड, प्लस जेड का मतलब जेड क्यूब है, जेड क्यूब का मतलब क्या, सी क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब है, लेकिन जेड का मतलब क्या हो गया, सी इंटू ए माइनस बी। अब ये हो गया, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करो और देखो वेदर इट इज कमिंग जीरो और नॉट, अगर जीरो आता है तो फिर वो थ्योरम सेकंड से ही क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर इजली आ जाएगा। चलो
तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ए इंटू सी ए सी हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस है, ये अंदर भी प्लस है, कोई साइन का मतलब क्या, कोई साइन नहीं होने का मतलब क्या, प्लस ए ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस बी इंटू सी बी सी, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। याद रखिएगा हम टर्म के साथ जो साइन होता है मैं बार बार बताता हूँ, उसको भी मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं, उसको भी मल्टीप्लीकेशन में कंसिडर करते हैं। तो प्लस बी इंटू माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, ये प्लस है प्लस है। सी इंटू ए क्या हो जाएगा, सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो बात बराबर है, ठीक है, वो सी ए का बड़ा जमाना चल रहा है तो थोड़ा सा मैं सी ए की जगह ए सी लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, बी इंटू सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ये अब आपका होगा। अब इसको देखिए कि ये वेदर इट इज कमिंग जीरो और नॉट, लेट सी। ये देखिए माइनस ए सी है, ये प्लस ए सी, पता है सेम चीज़ हो, अगर साइन अपोजिट हो तो कट के जीरो हो जाता है, प्लस ए बी माइनस ए बी कट के जीरो हो गया, प्लस बी सी माइनस बी कट के, एंड फाइनली इट इज कमिंग जीरो। तो लिखोगे कि सिंस सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो के बराबर आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, थ्री एक्स वाई जेड के बराबर होगा। तो थ्री एक्स वाई जेड के बराबर जो आएगा उसको लिख दो, वही फैक्टर हो जाएगा तुम्हारा, यानी देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड किया तो जीरो आया, तो हमको निकालनी थी किसकी वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की निकालना था, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में ये टर्म था उसको एज ए फैक्टर निकला था। जब हमने एज ए फैक्टर एक्स प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करके देखा तो जीरो आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो दिया है हमारा जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है एज ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब उसको कैसे एज ए फैक्टर लिख सकते हैं, तो एज अ 3x प्लस 3x इनटू y इनटू z यानी 3xyz के रूप में एज ए फैक्टर लिख सकते हैं। तो चलिए 3xyz के रूप में फैक्टर एज ए फैक्टर लिख लेते हैं, वही कहा भी है फैक्टराइज का मतलब वही होता है कि फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं, लिख लेते हैं और वो क्या होगा 3xyz होगा। तो चलिए 3 की जगह 3 रख लिया, कांस्टेंट को तो चेंज नहीं कर सकते। अब x की जगह हमने क्या माना था जनाब, x की जगह हमने माना था a इनटू b माइनस c ले लिया। अब y की जगह हमने क्या माना था बाबू, y की जगह हमने माना था क्या माना था, देख लीजिए y की जगह हमारा क्या, ये पहला हो गया, y की जगह हमने लिया था ये क्या, तो b टाइम्स क्या बाबू, b टाइम्स c माइनस a ले लिया। अब ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब z की जगह क्या लिया था हमने, z की जगह था हमारा c इंटू ए माइनस बी, और इस तरह लिखना ही क्या कहलाता है, फैक्टर के फॉर्म में लिखना कहलाता है। और ये हमने क्या कर लिया, इसका फैक्टराइज कर लिया, दैट मीन्स हमने इसको क्या कर लिया, फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। बहुत जगह इस किताब में या बहुत जगह ऐसा होता है कि एक स्टेप इसके आगे बस फॉर्मेलिटी किया, अगर वो भी आपको भी करना कर लो। अब देखो देखो ब्रैकेट वाले को एक साथ कर लो, और जो ये सब बाहर है ब्रैकेट के उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू ए या थ्री a into b करोगे तो क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा, और into c कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3abc हो जाएगा। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, यहां तक भी करके छोड़ दोगे तो कोई आंसर गलत नहीं कहेगा, ठीक है, 3abc हो गया। अब बाकी ब्रैकेट को एक साथ एक के बाद एक लिख लो, b - c c - a a - b हो गया, ये आपका फैक्टर के फॉर्म में हो गया, यानी फैक्टराइजेशन आपका ये हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, होप सो कि ये भी आप लोगों को समझ में आया ही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर ही 99% या 95% जिनको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स गेन या थ्योरम अच्छे से याद नहीं है या समझ में नहीं आया, वो हमेशा उसको छोड़ देते या गलत कर देते हैं। चलिए कौन सा क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना उसको। इसके बाद अगर आपने ये देखा तो ये इसके बाद अभी सारे फैक्टराइजेशन के जो टफ और जो टाइप्स के क्वेश्चन थे समझ जाइए, मैंने आपको अपनी सारी वीडियोज में अपने सारे लेक्चर में हमने आपकी सारे सिलेबस को कवर कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस क्या है समझिएगा, उसमें कह देगा फाइंड अ प्रोडक्ट, ये थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन है फैक्टराइजेशन के इसी फॉर्म का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चंस है भैया, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, फैक्टर के फॉर्म में। अब फाइंड द प्रोडक्ट लिख लिया मैंने भैया, अब देखिएगा जनाब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट इफ एक्स प्लस वाई, इफ एक्स प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ एक्स प्लस वाई प्लस फोर, अगर ब्रैकेट भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, कह रहा प्रोडक्ट निकालिए कब, जब अगर एक्स प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो होता है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्वेश्चन है आपका, माइनस ट्वेल्व एक्स वाई, माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस 64,
कह रहा है क्या, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है या प्रोडक्ट निकालना है, कब, जब x प्लस वाई प्लस फोर जीरो के बराबर होता है, इन दैट कंडीशन आप इसकी वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस 64 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो सिंपली कुछ करना नहीं है, यहाँ पे भी वही है, देखो तो अगर देखो सपोज कर लो इसको, अगर x को x मानते हो, y को y मानते हैं और 4 को z मानते हैं, बीच में क्या है प्लस है, तो x प्लस y प्लस z ये ऑलरेडी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बराबर 0 के बराबर है, यानी गिवन है, यानी ये क्या है गिवन है, यानी क्या है x प्लस y प्लस z देखा जाए तो यानी क्या है बराबर 0 क्या दे दिया गिवन है। इफ इट इज, आपको मैंने बता दिया है थ्योरम सेकंड कि अगर x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, और मैंने बताया था थ्योरम का सेकंड थ्योरम का थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, वो क्या था ट्रांसफॉर्मेशन फिर देख लीजिए, तो मैंने बताया था x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 होता है इन दैट कंडीशन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब वो किसके बराबर होता है 3xyz के बराबर होता है, या फिर मैंने क्या बताया था कि इस 3xyz को आप क्या कर लो इसी साइड ला लो, यानी किस साइड x क्यूब y क्यूब और z क्यूब साइड ला दो, तो जब लाओगे ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ऐसे इसके बराबर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, बिल्कुल होगा, होता ही है, ठीक है, यानी इस पैटर्न पे, यानी इस थ्योरम को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इसको, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बाबू, करते हैं, तो चलिए देखते रहिएगा ध्यान से, प्लीज देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसको करते कैसे हैं, ये बस थोड़ा सा हल्का सा इसको देख ले हुए, उसके बाद आप खुद ही ऑटोमेटिक समझ जाओगे और आप आराम से कर लोगे। तो यहाँ पे लिख दोगे क्या कि यहाँ पे दिया है क्या, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ऐसे लिख देना इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो गिवेन, क्या यहाँ लिख देना गिवेन, गिवेन ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले मान लेना, पहले क्या कर सकते हो आप इसको मान सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, अगर पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखूं तो आप ऐसे लिख सकते हो, चलो वो भी कर दे रहा हूं आपके लिए, कैसे कैसे ऐसे लिख लेना, लेट x इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू y, z इज इक्वल्स टू 4, नाउ x प्लस y प्लस z किसके बराबर दिया है 0 के बराबर, तो लिख सकते हो देयरफॉर क्या, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz मस्ट बी इक्वल्स टू 0, मस्ट बी इक्वल्स टू 0, और इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये देखो ये एकदम बिल्कुल यही चीज है, बिल्कुल देखो x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में सेट हो जा रहा है, और ये भी देखना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में सेट हो जाएगा, देखो ऐसे होगा, देखो x को x लिए थे तो x का होल क्यूब का मतलब ये देखो x क्यूब हो गया, y का होल क्यूब का मतलब y क्यूब हो गया, अब z का होल क्यूब, यहाँ देखो इस चीज को क्वेश्चन को अगर चाहते आप तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये 64 है इसको पहले लिख लो, इस 64 को क्या कर लो पहले, तो 64 का होल क्यूब यानी 64 को एज ए होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है, तो तुमको पता है कि 4 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 होल क्यूब आ जाएगा, यानी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, देखो हमने z क्या माना था 4 माना था, हमने क्यूब किया, अब क्या था माइनस क्या 3xyz, तो माइनस लिखा 3 लिखा, x हमने क्या माना x को x माना, y को हमने क्या माना y माना, z को हमने क्या माना 4 माना, तो देखो इस पैटर्न पे क्या हो रहा है बिल्कुल सेट हो रहा है, देखो कैसे सेट हो रहा है, x का होल क्यूब का मतलब क्या हो गया x क्यूब प्लस y का होल क्यूब का मतलब क्या हो y क्यूब, z का होल क्यूब का 4 का होल क्यूब का मतलब क्या होगा 64, और ये क्या हो गया माइनस 3 4 12 और एक्स वाई आ गया, यानी सेम ये चीज आ रहा है, और ये चीज क्या हो गया यानी इस वाले पैटर्न पे सेट हो रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, यानी जब ये एकदम इस पैटर्न पे सेट हो रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि यही चीज x प्लस वाई प्लस 4 जीरो के बराबर है, तो आपको पता है मैंने बताया थ्योरम नंबर सेकंड कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर लिख सकते हो, तो यहां क्या लिख दोगे हैंस, क्या लिखोगे हैंस, क्या हैंस x क्यूब प्लस y क्यूब एकदम क्वेश्चन की तरह लिख लो एज इट इज माइनस 12xy प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका हो गया क्वेश्चन प्रूफ, यानी इसकी वैल्यू आ गई, यानी किसकी वैल्यू x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0 होगा, ये इसकी वैल्यू आ गई, कैसे आ गई कि इसको सिंपली मैंने क्या कर लिया डायरेक्टली मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने इसको फॉर्म को देखा जो गिवन था वो रखा, देखो जैसे कहा मैंने वैसे कहा गिवन जो दिया था गिवन को हमने क्या कर लिया x प्लस वाई प्लस जेड के ऊपर सेट किया, और ऑलरेडी यहाँ पे हमको x प्लस वाई प्लस जेड सॉल्व करके निकालना नहीं है बराबर 0, क्योंकि कह रहा है कि ये प्लस ये यानी तीनों टर्म बराबर 0 है, जब ये तीनों बराबर 0 है तो और इसको देखा कि क्या ये बिल्कुल उस पैटर्न पे फिट हो रहा है, किस पैटर्न पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के पैटर्न पे सेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो ये भी क्या होगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ये थ्योरम नंबर सेकंड कहता है। तो हमने क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू बता दी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस 64 क्या होगा, किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। होप सो कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया ही होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस बेसिक्स एक बात दिमाग में रखनी है। वो क्या रखनी है, वो ये रखनी है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या गिवन दिया भैया, x प्लस वाई। तो लीजिएगा कि क्या, लेट x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू 4, ठीक है, लिख लिया। अब ये क्वेश्चन, ये क्या था, गिवन था, यहाँ गिवन लिख लीजिएगा, बाकी चीज़ समझ में आ रहा है। और वो था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12 एक्स वाई, ये है। और बाद में क्या दिया है, प्लस 64। इसको इस फॉर्म में लिख लीजिएगा, ऐसे, कैसे, तो ऐसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या 64, और 12 एक्स वाई को बाद में रख लीजिए, 12 एक्स वाई को। अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं भैया, ऐसे लिख सकते हो एक्स का होल क्यूब प्लस, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, तो x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 12 एक्स वाई। अब ये जो दिख रहा है ये किसके फॉर्म में दिख रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। मैं दोबारा एक बार से समझा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनस 3 एक्स वाई जेड इस फॉर्म में दिख रहा है। फिर यहाँ क्या लिखोगे, सिंस, क्या, सिंस, सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो गिवेन, ये दिया है, देयरफोर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू जीरो। हैंस, फिर यहाँ लिखना हैंस, क्या, हैंस, लो हैंस लिख लिया, हैंस। अब क्वेश्चन क्या था वही लिख दो, क्या क्वेश्चन था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या था, माइनस था ना, माइनस 12 एक्स वाई प्लस 64 इज इक्वल्स टू जीरो, आ गई आपकी वैल्यू। इसी की वैल्यू निकालना था, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आज के बस लेक्चर यहीं तक। अगर आप लोगों को अगर इस लेक्चर या फैक्टराइजेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन टफ लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर किसी तरह की और भी किसी चैप्टर में मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, किसी में प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। होप सो कि आपको आज की क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, बाय।